हाय एवरीवन, हम लोग आज बनाने वाले हैं बेसन के टिक्के। तो काफ़ी इजी रेसिपी होने वाली है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर एक कप बेसन है, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा जीरा है, एक हरी सूखी मिर्ची है एंड यहाँ पर हम लोग ले लिए सब्ज़ी मसाला करीबन 1.5 चम्मच है सब्ज़ी मसाला पाउडर, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर हम लोग ले लिए गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, कुछ हरी मिर्ची चॉप्ड किया हुआ है, कुछ लहसुन चॉप्ड एंड 1 टमाटर जो कि हम लोग ऐसे रफली चॉप्ड कर लेंगे। एंड रफली चॉप करके ही आप प्याज ले लीजिए, आप चाहे तो थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एंड सबसे पहले बेसन जो टिक्का होता है उसको बनाने के लिए हम लोग बेसन का ना एक स्मूथ सा घोल बना लेंगे। एंड तो ये प्रोसेस आप हमेशा ना बेसन को छान कर ही करिएगा। तो इसमें बेसन ले लिए हैं, नमक डाल दिए हैं, थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच से भी कम। एंड इसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा। आप चाहें तो इसको और स्पाइसी कर सकते हैं, तो 1 चम्मच मिर्ची डाल दीजिए, पर ठीक है कम स्पाइसी है तो आधा चम्मच लाल मिर्ची काफ़ी है। एंड इसके बाद ना बेसिकली अब इन सब चीज़ों को आपको मिक्स करना होगा। एक बार अच्छे से आपकी जो ड्राई चीज़ें हैं मिक्स हो गई, इसमें आपको उसके बाद वाटर यानी कि पानी डालना होगा। ज़्यादा आपको ज़्यादा एक्सेस थिन जो लेयर है ना बैटर है वो नहीं करना है, एक नॉर्मल सा मॉडरेट करना, बिल्कुल ऐसा ही देखिए कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, पूरी कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे, नॉनस्टिक पैन में मीडियम फ्लेम पे अपना जो बेसन का जो हमने बैटर रेडी करके रखा था ना वो डाल देंगे। एंड इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि जो बेसन है वो बिल्कुल ऐसा एक बढ़िया सा जो डो के शेप में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, इसको वापस से हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो एक्सेस वाटर है ना बेसन का वो चला जाए इसमें से। अभी देखिए अच्छे से इसमें जो एक्सेस वाटर है इसका आपको फ्राई करके निकाल देना है, हटा देना है। एंड इसी बीच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी रेसिपीज़ आपके पास हर संडे को आती रहे। एंड हम डेली हर दिन एक शॉर्ट्स फूड रेसिपी का या रिव्यू फूड शेयर ज़रूर करते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा। अब हम ऐसे केक का ना कंटेनर ले लेंगे, अगर आपके पास केक का कोई ऐसा कंटेनर नहीं है तो डोंट वरी, आप नॉर्मल प्लेट में भी इसको ऐसा कर ले सकते हैं जब आपका बेसन का जो बैटर है ना उसका पानी सूख जाए तब। उसके बाद ऑयलिंग कर दीजिएगा बर्तन में, बेसन का जो बैटर है वो डाल दीजिएगा बढ़िया से, इसको करीबन 1.5 से 1 घंटे रख दीजिएगा ये सेट हो जाए, उसके बाद इसको ऐसा निकालिएगा। एंड जब तक सेट ना हो ना, अगर 2 घंटे भी लग रहे हैं ना तो प्लीज़ फील फ्री आप इसको 2 घंटे छोड़िएगा, वरना फिर ये ऐसा अच्छे से कट नहीं बैठेगा इसमें। तो 1.5 घंटे के बाद ये ऐसा परफेक्ट हो जाएगा एंड एकदम अच्छे तरीके से क्यूब के शेप में ये आराम से कट हो जाएगा। ये देखिए हल्के हाथों से आराम से इसको ऐसे क्यूब के शेप में हम लोग कट कर लेंगे एंड इसको साइड कर लेंगे। अब बारी आती है मसाले की, जो बेसन टिक्का है उसके मसाले की। तो सबसे पहले जो हमारा बेसन है उसे हम तल लेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा तेल लेंगे मीडियम फ्लेम पे, इसको हल्का सा सॉटे करेंगे, तल लेंगे, ज़्यादा देर तलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुका है, बस इसमें जो फ्लेवर है उसको एनहेंस करने के लिए इसे हम थोड़ा सा तल लेंगे एंड मीडियम फ्लेम पे इसको तलना होगा आपको। ये देखिए जैसे ही आपका जो बेसन है ना वो अच्छे तरीके से तल जाए, जो उसमें फ्राई हो बेसिकली वो फ्राई हो जाए बेसन, आप इसको हटा दीजिए और सेम पैन में ही आप थोड़ा सा तेल लीजिए, इसमें अपना जो सूखी जीरा है, खड़ी जीरा जिसे आप कहते हैं वो डाल दीजिए। वो डालने के बाद सूखी जो लाल मिर्ची है वो डाल के इसको जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स आपको सॉटे करना होगा। जैसे ये सॉटे हो जाए इसमें चॉप्ड किया हुआ लहसुन डाल दीजिए, ये 6 से 7 कलियाँ हैं लहसुन की, ज़्यादा नहीं है। एंड इसके बाद इसको अच्छे से सॉटे कर लीजिए, मीडियम फ्लेम पर ही सारा कुछ करिएगा। जैसे आपका लहसुन है वो थोड़ा कलर चेंज करने लग जाए, अपने चॉप्ड किया हुआ जो प्याज रखा था ना वो इसमें डाल दीजिए। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा लो करने की या ज़्यादा हाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्लेम को मीडियम रखिए एंड इसको फ्राई करते रहिए। प्याज को हल्का सॉटे करते करते आप इसमें हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा चॉप्ड करके, यहाँ पे हम 2 हरी मिर्च को अच्छे से छोटा छोटा चॉप कर लिए हैं एंड डाल दिए हैं। प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम अपने जो टमाटर चॉप करके थे ना वो डाल देंगे एंड टमाटर डाल के थोड़ा सा सॉटे करने के बाद टमाटर डाले हैं तो इसके बाद का प्रोसेस तो पता ही है सबको, नमक जाएगा इसमें ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है और टमाटर जो है ना वो जल्दी स्मशी हो जाए, जल्दी गल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो टमाटर गया, इसमें गया नमक, इसको हम लोग कर रहे हैं फ्राई। जैसे ही टमाटर प्याज जो है आपके अच्छे से फ्राई हो जाए इसमें हम लोग अपने बाकी के जो ड्राई मसाले हैं ना वो डाल देंगे। इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर एंड इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये सब डालने के बाद ये दोनों चीज़ डाल के एक बार आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना होगा, फ्राई करना होगा बेसिकली। एंड जैसे ये अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें आप डाल दीजिए सब्ज़ी मसाला, जो 1 से 1.5 चम्मच आप सब्ज़ी मसाला ले सकते हैं। एंड डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। सब्ज़ी मसाला से ट्रस्ट में टेस्ट जो है ना बहुत डिफरेंट हो जाएगा, नॉर्मल जीरा धनिया का पाउडर से बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बेसिक सब्ज़ी से थोड़ी डिफरेंट लगेगी ये। एंड इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसमें आप डाल दीजिए अपने जो बेसन को फ्राई करके रखा था ना कट करके, वो इसमें चला जाएगा।
जाएगा। अब बेसिकली आपको अपने जो मसाले हैं उसके साथ बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्राई करना है। एंड क्योंकि मसाले आपके जले ना, थोड़ा सा वाटर जो है स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि एक अच्छा सा कंसिस्टेंसी फॉर्म हो जाए आपके मसालों के साथ। एंड बस आपको इसे फ्राई करना है अभी थोड़े टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, एंड ताकि जो मसाले हैं ना जो आपने डाले हुए हैं ना वो पक जाए। तो थोड़े टाइम के बाद 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई कर सकते हैं आप, ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप मसालों का जो रॉनेस जो स्मेल होता है ना वो चला जाना चाहिए। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, एंड गरम मसाला पाउडर डाल के इसको वापस से हम लोगों को मिक्स करना होगा। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, हाई करने की ज़रूरत नहीं है या एकदम लो करने की भी ज़रूरत नहीं, मीडियम फ्लेम पर इन सब चीज़ों को मिक्स करना होगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आप फ्राई करेंगे, इसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, एंड ये रेडी टू सर्व हो जाएगी। बाय बाय एंड टेक टेक।